साहिब के बिगड़ैल लाडले पर पूरी की पूरी पार्टी ने लुटा दिया प्यार। नियम कायदे कानूनों को भी खूंटी पर टांग दिया साहिब भी लगे पुचकार ने। कमल चाप सांसद की करतूत पर दे डाली सिर्फ नसीहत, साहिब से सवाल पूछने वालों को संसद से बाहर फेंकवा दिया था। रमेश पिदोड़ी की हरकत पर मौज उड़ा रहे थे कमल चाप नेता। नकवी और शहनवाज पर भड़के लोग साहिब से सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञान। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोले भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी भड़वे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशली जी प्लीज सिट डाउन। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। यकीन मानिए ये सारा खेल अगर पलटा हुआ होता, यानी दानिश अली ने गलती से भी कमल छाप सांसद के आधे भी संस्कार संसद के अंदर दिखा दिए होते तो संसद से उठवाकर उन्हें फिकवा दिया जाता। लेकिन लाडला है साहिब का, तुलारा है उनके जोड़ीदार का, तो हिम्मत नहीं हुई किस बददिमाग आदमी की अकल ठिकाने पर लाने की। जानते हैं संसद के अंदर बदतमीजी करने वाले कमल छाप सांसद रमेश भिदुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? भारी भरकम चेतावनी लोकसभा के आदरणीय सम्मान्य अध्यक्ष जी ने दी है। ANI न्यूज एजेंसी ने बकायदा ट्वीट करके बताया कि साहेब अपने लाडले से बहुत ही नाराज है, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बहुत सख्त कार्रवाई रमेश भिदुड़ी के खिलाफ कर दी। ANI के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी के सांसद रमेश भिदुड़ी के बयान का संज्ञान लिया है। स्पीकर ने रमेश भिदुड़ी को सख्त चेतावनी दी है, अगर वो फिर से ऐसा कुछ करते पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बाप रे बाप, रमेश बाबू तो अंदर तक हिल गए होंगे, इतनी सख्त चेतावनी और भारी भरकम सजा रमेश भिदुड़ी को जो ओम बिरला ने दे दी। याद रखिए ये दौर इसलिए भी याद रखा जाएगा कि जब मणिपुर में हो रही थी हैवानियत तो साहिब से संसद में पूछ लिया था सांसदों ने सवाल, तो अध्यक्ष पद पर बैठी इसी शख्सियत को ये संसद की गरिमा के खिलाफ लगा था। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञान। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोले भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कठबे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशली जी प्लीज सिट डाउन। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। लेकिन साहिब के लाडले सांसद के उवाच इनको संसदीय लगते हैं, लफंगों वाली भाषा इनको रास आती है, वरना क्या मजबूरी रही होगी कि पार्टी का हुक्म बजाते बजाते संसद के नियमों को खूंटी पर टांग दिया जाए। बताओ ऐसा क्या कह दिया था संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कि उनको निलंबित कर दिया गया था? क्या कहा था राघव चड्ढा ने कि उनको संसद से स्पीकर ने बाहर फिकवा दिया था? क्या बोल दिया था डेरेक ओब्रायन ने कि उनको भी संसद से बाहर निकलवा दिया था? लेकिन अपनी पार्टी के संस्कार जैसे ही कमल छाप सांसद ने उगले, स्पीकर साहिब ने भारी भरकम चेतावनी दे दी। सवाल सिर्फ ओम बिरला का नहीं है, सवाल तो कमल वाली पार्टी के उन नेताओं से भी है जिनके धर्म जिनके समुदाय के बारे में उनकी पार्टी का नेता संसद के अंदर खड़े होकर गंदगी उगल रहा था। लेकिन हिम्मत नहीं बीजेपी में बैठे मुस्लिम नेताओं की कि वो खड़े होकर साहिब से सवाल कर लें। नहीं नजर आई शहनवाज हुसैन, नहीं दिखा चेहरा गुस्से से लाल मुख्तार अब्बास नकवी का। ये इस दौर की हकीकत है और ये है आपके रहनुमा स्पेशल डेस्क द कंटाप।